एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम सेवन ब्रदर्स पे हैं और जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोजेक्ट करोला एस का चल रहा है, उसके हवाले से नई अपडेट्स हैं। ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। नई अपडेट्स करोला एस के हवाले से ये कि अभी फ्रंट की हाइट हमने एडजस्ट करनी थी, बैक के साथ मैच करनी थी, तो वो अभी हैरी भाई ने कोशिश की कॉयल ओवर को रीएडजस्ट करने की, तो चूड़ियाँ थोड़ी स्टक थी, उसकी वजह से अब कॉयल ओवर वापस खोलना पड़ रहा है। उतार के उसको साफ़ करेंगे तो फिर वो एडजस्टमेंट फिर कर लेंगे उसके मुताबिक। बाकी आपको गाड़ी ओवरऑल एक दफ़ा थोड़ी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह कंपाउंड हो चुकी है, कटिंग पॉलिश हो गई है, बस एक सर्विस और लास्ट पॉलिश होनी है। अभी हम करवा रहे थे हाइट एडजस्ट, उसके बाद जानी गाड़ी अलाइनमेंट के लिए, तो इंशाल्लाह वहाँ से फ्री होती आती फिर एक प्रॉपर वॉक अराउंड आपको गाड़ी का देता हूँ और फिर साथ में आपको जो चीज़ें शेयर करनी है वो बताते हैं। साइड का गोला रहता है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं बस, लास्ट जो फाइनल करनी है फाइनलाइज होगी गाड़ी, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर पूरा दिखा देते हैं गाड़ी के हवाले से, और जो एक्सपेंस थे वो भी इंशाल्लाह सारा बता देते हैं। गाड़ी का भी आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ। फ्रंट से भी गाड़ी फ़िलहाल उठा दी है क्योंकि ट्रैवलिंग होनी है, गाड़ी मीरपुर जानी है, अभी फाइनलाइज हो गई है, उस हिसाब से अलाइनमेंट करवा चुके हैं। गाड़ी बाहर गई थी, अभी हो आई है। ये है अभी वॉश के बाद रिजल्ट्स, अभी गाड़ी को ड्राई नहीं की है, पॉलिश होनी है, तो बस ये ऑलमोस्ट डन है। तो मैंने बोला आपको एक इसका वॉक अराउंड करवा दूं, इस वक्त भी एक लास्ट टाइम जाते हुए करते हैं इसको कवर और आपको एक प्रॉपर व्यू आ जाएगा, क्योंकि अभी गाड़ी आ गई है फाइनल टचिंग वाले सेक्शन पे, और ये आपको दिखा दूँ गाड़ी के बस फाइनल होगी ये जी, जो जितना काम होना था वर्कशॉप पे आज हो चुका है, बस अभी मैंने बोला आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं भी ज़रा बिज़ी हूँ, मैंने निकलने और सुल्तान भाई के आने में भी ज़रा टाइम है, वो आएंगे गाड़ी रिसीव करेंगे ले जाएंगे। अच्छा, कॉस्ट के हवाले से देखे मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बता दी थी। स्टेयरिंग व्हील जो है, इसका स्टेयरिंग दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये शोर ना करने लग जाए, एक मिनट, की आती है तो दिखाता हूँ आपको। खैर स्टार्ट करते हैं बाहर से। 25,000 की उनकी लाइट्स थी, किट्स थी, टोटल किट्स और ग्रिल, ये बोल रहे थे 30,000 की उनकी परचेज थी, ठीक है। उसके अलावा फोग लाइट्स, ये पुरानी है, बम्पर हमने टोयोटा का ब्रांड न्यू लिया था, ये पुराना बम्पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो बेसिक देसी वैरायटी वाला आता है वो है 5,000 का, ये मिल जाता है ब्रांड न्यू। ये वाला जो था 15,500 का आई गेस था, उसमें ये ग्रिल नहीं थी, वो अलहदा सेपरेटली है। उसके अलावा इस पर जो काम हुआ है वर्कशॉप पर, वायरिंग का था, स्टेयरिंग की फ़िटिंग थी, मीटर की फ़िटिंग थी, उसके अलावा जी लाइट्स की फ़िटिंग्स, बल्ब वगैरह सही प्रॉपर नहीं थे, ग्रिप्स ठीक नहीं थी, वो था। डैशबोर्ड का जो पैड था वो आपको दिखाया था, वो चीज़ें थी, ठीक है। पैड जो है 21,000 की उनकी परचेज थी। उसके अलावा जी स्टेयरिंग 25,000 या 27,000 का था, मुझे कन्फर्म नहीं है, पर इतने का था पैड, 21 हो गया। उसके अलावा क्लस्टर उन्होंने लिया था 28,000 का, वो आपको मैंने बताया था। उसके अलावा पेंट, मैकेनिकल और छोटे मोटे काम, कुछ बोल्ट्स वगैरह, क्योंकि कॉयल ओवर लगाए हैं, 45,000 का कॉयल ओवर बीसी का सेट था, फोर वे कैम्बर की प्लेट्स के साथ, 45,000 का वो था। उसके अलावा जी क्या रह गया, लेबर और जो सारा काम है मैकेनिकल पेंट सारी चीज़ें, वो सारा बिल है कोई अराउंड 85,000 के अराउंड अबाउट, ठीक है। डेंटिंग भी थी, पेंटिंग का भी था, मैकेनिकल जो छोटा मोटा फिटमेंट थी कॉयल ओवर्स की, और इसके अलावा क्या चीज़ थी, अच्छा दरवाज़ों की पिनें थी, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी थी जो बाहर से होनी थी ना, तो ये सारा जो है वर्कशॉप से रेलिवेंट जो बिल था वो 85,000 है। बाकी मैंने आपको छोटा ब्रेकअप करके बता दी है। अभी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, इंटीरियर पोशिश जो करवाई 35,000 दिए, मगर बस ठीक है, काम अच्छा है, पर वो चीज़ नहीं बन पाई जो हम शायद एज्यूम कर रहे थे और जिस क्वालिटी का वो काम करते। बैक का ये अच्छा, एग्जॉस्ट मिस कर गया था 28,000 का, उनने वो परचेज़ किया था पेशावर से TRD का ओरिजिनल,
उसके बैंड जो पिछला आता है पाइप उसका फ़र्क था, तो बस वो रहता है। अभी वो आएंगे, गाड़ी रिसीव करेंगे, अपना पुराना सारा सामान लेके जाएंगे। कुछ लोगों की थिंकिंग ये भी होती है कि पुराना सामान वर्कशॉप वालों का हो जाता है, वो रख लेते हैं, तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो पुराना सामान होता है सारा ऑनर साथ लेके जा सकते हैं, अगर स्क्रैप हो तो फिर बंदा फेंक देता है, वो एक अलहदा बात है। तो बाकी अभी मैं आपको स्टेयरिंग और अंदर से पोशिश एक दफ़ा वापस दिखा दूँ। तो जी ये है अंदर से, ये स्टेयरिंग व्हील है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था। मीटर देख लें, चेंज कर दिया था। उसके अलावा अब इस पर जो आपको वुडन पैनल नज़र आ रहे हैं, इन फ्यूचर उस पर काम होगा। रिम टायर वो अपनी पसंद से अब लगा लेंगे। कोशिश ये है जी, डॉटेड फैब्रिक जो आता है, फैब्रिक यानी लेदर आइट है इस पर बेसिकली। ये स्टेयरिंग व्हील हो गया और सारा मल्टीमीडिया फंक्शनल है, सारी चीज़ें वर्किंग में है। तो ये था जी सारी ओवरऑल जो कन्वर्जन होनी थी वर्कशॉप के हाथ में जितना था वो यहाँ पे हुआ है, बाकी ज़ाहिर है रिम टायर का। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं रिम टायर भी हम परचेज़ करके देते हैं, वो उस सूरत में होता है कि अवेलेबिलिटी हो या चीज़ समझ आ गई, आ इधर जाती है सारी, फिर ओवरऑल सारी लुक गाड़ी की यहाँ से निकलती है। तो वो पूरा एज अ प्रोजेक्ट आप उसको कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट डन होने के बाद यहाँ से जा रहा होता है। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है बजट का इशू होता है या चीज़ नहीं मिल पा रही होती अपने टेस्ट के मुताबिक या जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक, तो बस ये है ओवरऑल गाड़ी का। उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद आई होगी, डिसेंट होगी ये बहुत। अब फर्दर जाहिर है इसमें कुछ अपग्रेड्स होने, वो फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी इनका चक्कर लगेगा, गाड़ी आएगी तो इंशाल्लाह तब आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। ब्रेकअप मैंने शेयर कर ली है, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।